अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। तो खीर से केक किस तरह से बनता है, मैं खीर बनाने के बाद केक कैसे बनाती हूँ और खीर वाला केक कैसा लगता है, आप यकीन करें आप लोगों ने ये रेसिपी अब तक कहीं भी नहीं देखी होगी। और ये इतना मोइस्ट, इतना मज़ेदार, इतना सुपर सॉफ्ट, रुई की तरह सॉफ्ट बनता है। आप लोग जिसे बनाएंगे, बच्चे बड़े सब इसको बहुत पसंद करते हैं। गर्मियों में ठंडा ठंडा केक अगर आपको खाने को मिले ना, तो बहुत मज़ा आता है। आप आइसक्रीम वगैरह भूल जाएंगे जब आप इस केक को ट्राई करेंगे। बहुत डिफरेंट रेसिपी है, जो मेरी अपनी रेसिपी है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और हमें खीर किस तरह से बनाऊंगी और केक के स्पॉन्ज में हम लोग जो खीर मिक्स को यूज़ करेंगे वो कैसे यूज़ करेंगे और फिर खीर को किस तरह से यूज़ करेंगे केक के अंदर, बहुत ही नई रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, अब हमने यहाँ पे एक बॉल ले लिया है, इसमें डाल दिया 3 अंडे। अंडा जो है ना, एक 55 ग्राम का होना चाहिए, लार्ज एग। अगर छोटे एग है तो आप 4 अंडे लोगे, वरना ये 3 अंडों से बन जाएगा इजीली। ठीक है, अब इसके अंदर ऐड करें शुगर 1 कप, ये है 2/3 कप से भी 2 टेबल स्पून कम है। ठीक है, लेमन एसेंस जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पर खीर मिक्स। अच्छा, खीर मिक्स डालेंगे जी, ये जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना, हमने यहाँ से ले लिया हुआ है, इस तरह से होता है ये पैकेजिंग में, और हमने यहाँ पर ले लिया तकरीबन 2.5 टेबल स्पून, और उसको हम इसी में ऐड करेंगे अपने चीनी वाले बैटर में। ठीक है, ठीक है, और अब हम इसे बीट करेंगे और इसको अच्छे से बीट करना है, फ्लफी भी हो जाएगा, लाइट वेट हो जाएगा। तो ये बीट हो रहा है, मैं कर लूंगी मैदे को और बेकिंग पाउडर को छान लूंगी अच्छे से। अच्छा, इस रेसिपी में अगर आप डालना चाहो तो लेमन एसेंस डाल सकते हो, मैंने कभी भी इस रेसिपी में वनीला एसेंस का यूज़ नहीं किया है। हाँ, मैं इस तरह से ये करती हूँ कि मैं इलायची का पाउडर ज़रूर इसमें यूज़ कर लेती हूँ, अगर मुझे करना दिल हो तो कर लेती हूँ, कभी नहीं भी करती, क्योंकि खीर में इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, लेकिन मैं फिर भी लेमन एसेंस कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ। मैदा और बेकिंग पाउडर को अच्छे तरीके से मैंने छान लिया था, उसके बाद क्या करना है, अब ये मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जहाँ पर लड़कियाँ कहती हैं कि हमारा बैटर बैठ जाता है, फ्लफी नहीं होता, डॉम शेप आ जाता है, एक साइड बैठ जाती है और फिर हम और बहुत अजीब सा हो जाता है। सबसे पहले आपने जब बैटर को बीट कर लिया, तकरीबन आपने तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट बीट करना है। बीट करने के बाद आपने मैदा लेके स्पून के साथ पूरे आपने बैटर के ऊपर फैला देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऑयल लिया था, रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। ठीक है, आपने ऑयल डालते हुए साथ में मैदा पहले डाल दिया, फैला दिया, ताकि वो एकदम से एक बीच में मत मैदा डालेगा, एक साथ में किसी भी जगह पे मत डालेगा कि वो बैठ जाएगा, जाके वज़न होगा ना, हमने अंडे को फ्लफ़ी किया हुआ, जब आप एकदम से मैदा डालोगे तो मैदा भारी वज़न में होता है, वो बैठ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर मिक्सिंग करने लगे उसको बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, तो अब इस तरह से मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पहले मैंने एक बार मैदा डाला, ऑयल डाला और अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर लिया। ये देखें, इस तरह से मिक्स भी कर सकते हैं, हैंड विस्क के ज़रिए भी मिक्स कर सकते हैं, स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं, बीटर से भी मिक्स कर सकते हैं, और ऑयल के साथ मिक्स करना है। मिक्स करना सबसे मेन पॉइंट होता है, आपको जब आ जाएगा ना, आप जब बेकिंग में एक्सपर्ट उतरना शुरू हो जाओगे, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी रेसिपी, तो आपको समझ आ जाएगी हमने कितना इसको मिक्स करना होता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छा मॉइस्ट टेक्सचर देने के लिए मैंने यहाँ पर अनसॉल्टेड बटर का यूज़ किया है। ठीक है, 2 टेबल स्पून तक अनसॉल्टेड बटर इसके अंदर ऐड कर दें। अगर आप चाहो तो बटर को मेल्ट करके भी ऑयल के साथ मिक्स करके भी ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं, मैं उस तरह से भी कर लेती हूँ। ठीक है, तो आप उस तरह से भी कर सकते हो। अब साथ में एंड पे मैंने इसको हल्का सा नीम गरम गुनगुना 1/8 कप, मतलब आप 1.5 टेबल स्पून तक मिल्क लोगे और आपने एंड पर डाल देना है। ठीक है, और ये नीम गरम होना चाहिए, गर्मी हो सर्दी हो इसलिए नीम गरम ही होना है। ठीक है, इससे ना एक मॉइस्चर रहेगा इसके अंदर, बहुत सॉफ्ट बनेगा केक। ठीक है, आप गर्म पानी का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं जिस तरीके से बनाती हूँ ये वाला, बहुत ओकेजन्स वगैरह पे कोई फैमिली में गेट टुगेदर हो तो मैं ये मीठा बहुत बनाती हूँ। 2-3 मीठे और हैं जो कि बहुत फेमस है, मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। सो यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है ना, मैंने इसको मिक्स कर लिया। ठीक है, और अब मैंने ये ले लिया है मोल्ड। ठीक है, अब ये जो लिया मैंने टी के का मोल लिया, आप स्क्वायर भी ले सकते हो, 7x7 इंच का मोल ले सकते हो, आप 8 इंच का मोल ले सकते हो। ठीक है,
तो इस तरह अच्छा से ये आप ना जो है 7 इंच का मोल्ड था, 7 बाय, और ये 2 इंच हाइट थी इसकी, ठीक है। 3 इंच हाइट तक भी आप लोग ले सकते हो। और बटर पेपर लगा दो, ऑयल से ग्रीस कर लो अच्छे तरीके से। और इसे तकरीबन टाइम लगा था 35 से 40 मिनट, ठीक है। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हो 180 पे भी आपने 35 मिनट देना है, 30 मिनट बाद चेक कर लीजिएगा। इसी तरह आपने पतीले में भी 35 से 40 मिनट लगेंगे। अच्छा, अब मैं इसका मिल्क बना रही हूँ, जो हमने मिल्क इसके अंदर सो करने के लिए हमने बनाना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया आधा किलो, आधा लीटर दूध, ठीक है। आप लोग घर का दूध भी ले सकते हो, ठीक है, खुला दूध जिसे कहते हैं, और डब्बे वाला दूध भी ले सकते हो। तो मैं ज़्यादातर डब्बे वाला दूध यूज़ करती हूँ, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सो इसके अंदर अभी जो खीर मिक्स था ना, यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून भर कर जो है ना खीर मिक्स का यूज़ कर लिया। ज़्यादा यूज़ नहीं करना, जस्ट इसको फ्लेवर और टेस्ट देना है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप चाहो तो आप शुगर ऐड कर सकते हो। मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ कंडेंस मिल्क। मैं हमेशा से कंडेंस मिल्क से बनाती हूँ, मुझे वो ना टेस्ट बहुत डिफरेंट लगता है, बहुत अच्छा और यमी सा टेस्ट आ जाता है। अगर आपने कंडेंस मिल्क यूज़ नहीं करना तो आप इसी तरीके से यहाँ पर तकरीबन 4 टेबल स्पून तक डालोगे शुगर, ठीक है। अच्छा, आप अगर कंडेंस मिल्क आप घर पे बनाना चाहते हो तो आप वो भी बना सकते हो। और अगर आप ये करना चाहते हो कि आप थोड़ा सा दूध ले लो 1 कप, उसके अंदर 4 टेबल स्पून शुगर लेकर आप उसको इतना पका लो कि वो हाफ़ रह जाएगा, दूध हाफ रह जाएगा, आप उसको कंडेंस मिल्क की जगह पे भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने वो भी मेथड बता दिया, आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर लो। जब मेरे पास कंडेंस मिल्क नहीं होता ना, तो मैं इसी तरीके से शुगर डाल के दूध को इतना बॉयल करती हूँ, वो गाढ़ा थिक सा हो जाता है, तो मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है 1/2 कप, ये जो 1 कप है ना 250 ml वाला कप है, तो ये मेरे पास है 1/2 कप। और ये मेरे पास है टेट्रा पैक की क्रीम, ठीक है, मिल्क क्रीम। अच्छा, इसकी जगह मैंने कभी अभी तक विप क्रीम यूज़ नहीं की। मैं जब बनाती हूँ इसी तरह से बनाती हूँ, क्योंकि इसकी जब इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा यमी सा आता है, रिच वाला टेस्ट आता है इसका। और इसके बाद मैं थोड़ा सा, अगर ज़ाफ़रान है आपके पास तो थोड़ा सा 2 पिंच आप लोग ऐड कर दो, नहीं है तो येलो फूड कलर थोड़ा सा, मतलब 1/2 ड्रॉप से भी 1/2 ड्रॉप थोड़ा सा बस आपने ऐड करना है, बहुत ज़्यादा इसे येलो कलर में नहीं लेकर जाना, ठीक है। और अगर ज़ाफ़रान नहीं है आपके पास तो आप टोटली स्किप कर दो, कोई इशू नहीं है। कलर नहीं डालना चाहते, कलर भी मत डालो, ठीक है। अब इस स्टेज पे आके आप पिस्ता, बादाम वगैरह इसके अंदर ऐड कर सकते हो। जब अच्छी तरीके से बबल्स बॉयल हो जाएगा, तकरीबन 2-3 बार अच्छे तरह से जोश आ जाएगा दूध को, तो आप इसे ठंडा करने के लिए रखोगे और फिर इसे फ्रीज़र में रख दोगे, ताकि बहुत अच्छा सा ठंडा हो जाए। बहुत ज़्यादा फ्रीज़र में चिल ठंडा होकर बर्फ़ ना जमे, लेकिन हमें ठंडा करना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने केक को निकाल लिया था और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, आप कलर वगैरह देख सकते हो, ठीक है। और आप लोग पतीला में बेक करो, इसी तरह से ही कलर आता है हमेशा से। अब आप कलर देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन इसे 40 मिनट लगे थे बेक होने लगे, तो आप टेक्स्चर देखो कितना मॉइस्ट और कितना सॉफ्ट है ये। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, अगर आप इसको इसी तरीके से बनाना चाहो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टी केक भी रखना था, 3-4 पीसेस टी केक भी बनाना बता रही थी मैं, ठीक है। तो ये टी केक हो गया। अब सेकंड, अगर आप इसको बनाना चाहते हो, आप स्क्वायर पैन में भी बना सकते हो, तो फिर हम इसे मिल्क में डिप करेंगे। बहुत 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 मज़े का बनता है इस तरह से ये। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक टिन ले लिया, आप कोई भी ले लो पैन वगैरह। अच्छा, ये बड़े साइज़ का था, आपने यहाँ पे 8x8 साइज़ लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपने इस तरीके से 2 लेयर्स ईजिली आ जाएंगी 8x8 के साइज़ में, ठीक है। आपने इसी तरीके से मिल्क डाल दिया, खीर मिक्स जो था मिल्क वो डाल दिया, उसके ऊपर आपने इस तरह से रख दिया, ठीक है, अपना केक। और उसके बाद फिर मिल्क को पोर कर दिया, इसी तरह से आपने 2 लेयर्स बना लेनी है। अच्छा, मैं तो अभी जस्ट लास्ट के लिए बना रही हूँ, अभी ये फिनिश हो जाएगा, आधा पौना घंटा हम ठंडा करेंगे और सर्व कर देंगे। आपने इसे तकरीबन तकरीबन भी ना ओवरनाइट ज़रूर रखना है, या एक दिन ज़रूर रखना है, एक दिन बाद टेस्ट इसका इतना यमी हो जाएगा ना, बहुत मज़े का हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से सोक कर लेना है। अच्छा, आप यहाँ पर ना, मेरे को थोड़ा सा दूध कम लग रहा था, तो मैंने जो है ना 1/2 कप मिल्क और ऐड कर दिया, ताकि अच्छे से सोक कर ले वो दूध और बहुत सॉफ्ट बन जाए। और ये मैं पहले का क्लिप ऐड कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कि मैं सिंपल से ना इस तरह से फोक से प्रिक करके, आप लोग जब सर्व करोगे इस तरह से एक्स्ट्रा भी आपने रखना है, ताकि वो दूध ऊपर से पोर कर दो प्लेट में। बहुत यमी, बहुत मज़ेदार, कोई भी चीज़ गार्निश कर सकते हो। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।